मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर आज सहारनपुर कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम और डीआईजी सहारनपुर रेंज सुधीर कुमार पहुंचे। वहीं उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर के महंत ने कमिश्नर और डीआईजी को विभूति लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। डीआईजी सहारनपुर रेंज सुधीर कुमार ने बताया कि आज जनपद की हृदय स्थली शिव चौक पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी, लेकिन गुरुग्राम में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, जिसकी वजह से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। डीआईजी सहारनपुर रेंज सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर से सहारनपुर मंडल के पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा और सहारनपुर मंडल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिव भक्त भूलों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा कुशल चल रही है और वो अपील करते हैं कि आगामी दो दिनों में डाक कांवड़ शुरू हो जाएगी। उन्होंने शिव भक्त कांवड़ियों से अपील की और कहा कि वो अपने आप को सुरक्षित कर अपनी यात्रा को पूरी करें। उन्होंने भूलों से अपील करते हुए ये भी कहा कि हेलमेट लगाकर यात्रा करें और ज़्यादा स्पीड पर यात्रा ना करें। सहारनपुर कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी है, उसी क्रम में आज रूट का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर ने बताया कि सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है और वहीं जगह जगह चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। देखिए, आज हम और कमिश्नर साहब यहाँ पर कांवड़ रूट का पूरा निरीक्षण करते हुए यहाँ शिव चौक पर आए थे और शिव चौक पर हमने भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लिया। पूरी व्यवस्था लगातार आप देख रहे हैं, बहुत चाक चौबंद है, ड्यूटियाँ तो बहुत चाक चौबंद है और सकुशल शिव भक्त का भोले जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। आगे दो दिन डाक कांवड़ चलेगी और तेज वहकिल इसमें निकलते हैं। मेरी सबसे जो शिव भक्त आ रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि एक तो स्पीड को कंट्रोल रखें और दूसरे जो टू व्हीलर्स पे हैं वो सिर पर हेलमेट लगा के चलें ताकि किसी एक्सीडेंट की दशा में कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहे हैं, पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है और इसी तरह जब तक ये पूरा निमट नहीं जाता शिवरात्रि का कार्यक्रम, तब तक पूरा पुलिस बल इसी तरह शांति के साथ, मुस्तैदी के साथ और कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी करेगा। सर, पुष्प वर्षा भी करेंगे आप हेलीकॉप्टर? देखिए, अभी हेलीकॉप्टर आना था लेकिन मौसम ख़राब हो जाने की वजह से, गुड़गांव मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर संभवतः आज नहीं आ पाएगा और जो हेलीकॉप्टर होगा तो हेलीकॉप्टर से ये जो विजिट है वो पूरे कांवड़ रूट का, पूरे मंडल का किया जाएगा, रेंज का किया जाएगा और उसके दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कड़ी निगरानी की जाएगी। सर, कुछ आइडिया के आदेश है पुष्प वर्षा के लिए मुजफ्फरनगर में क्या व्यवस्था की गई है? अभी तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं व्यवस्था को देखने के लिए। जितने भी रूट्स में कांवड़ मूवमेंट चल रहे हैं हर जगह बहुत स्मूथली चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का पेट्रोलिंग भी चल रहा है और सारा हर जगह मेडिकल डिपार्टमेंट का कैंप भी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। कांवड़ मार्ग का भी आप निरीक्षण कर लिया लगातार, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। दो तीन मार्ग में यहाँ पर मेनली यहाँ पर कांवड़ मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहे हैं यहाँ पर। पुलिस का पेट्रोलिंग भी चल रहा है, हमारे ऑफिसर्स का पेट्रोलिंग भी चल रहे हैं और हर जगह कैंप जो मेडिकल कैंप चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, शिविर भी बहुत अच्छा चल रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।